अब चंद्रयान जब छोड़ा गया यहाँ से, हमारे पास इतना पावरफुल इंजन नहीं था, हम लोग ने जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाई, यहाँ से हम लोग फेंक दिए चंद्रयान को। 6 महीना गोली आया, ट्रैकिंग चलती थी, सिग्नल। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना, क्या है? चंद्रमा। और यहाँ पर है पृथ्वी, यहाँ पर पृथ्वी, क्या है? चंद्रमा। अब चंद्रयान जब छोड़ा गया यहाँ से, हम लोग कहाँ से छोड़े चंद्रयान? पृथ्वी से। तो हमारे पास इतना पावरफुल इंजन नहीं था जो 384,000 किलोमीटर जा सके। अरे उतना डिस्टेंस होता है, तुम अपनी गाड़ी से जाओ ना अभी तुम दिल्ली एक के बार में हाँफ जाएगा आप। हम कल सैटरडे को इलाहाबाद गए थे, पटना से गाड़ी उठाए, गाड़ी यहाँ से, और सीधे रुके इलाहाबाद, बीच में कहीं रुकबे नहीं किए। यहाँ से आरा, मोहनिया, बनारस होते हुए मुगलसराय निकल गए, कहाँ पे? इलाहाबाद। तो गाड़ी घुसी आ गया। आजकल तो सब गाड़ियों में स्मार्ट आ गए हैं, समझो उसमें वो बनाने लगा रिंच पिलास पेचकस, हम भी मशीन है। फूका जी तो अब गाड़ियों में सत्यानाश हो जी तो बीचों में थोड़ा रोक देना होता है ना, थोड़ा थोड़ा अब कौन रोकेगा, हम निकालो एकदम यहाँ से, एकदम इंजन उंजन घुसी आ गया उसका, एकदम फूंक दे हमरा नहीं समझ में गया। आजकल गाड़ी स्मार्ट हो गए हैं, अगर कंटिन्यू 5 घंटा चला दीजिएगा ना तो उसमें कप प्लेट बनने लगेगा, मतलब तू कुछ खा लो अगवा कप प्लेट बनने लगेगा, चाय का सिग्नल आने लगेगा, मतलब तुम भी कुछ खा लो। हम गए सीधे कहाँ वापस, वो लाए तो सीधे लाए, अब यहाँ आके घुसी आ गया उसका कुछ दिखाना पड़ेगा। तो सोचो एक छोटी सी डिस्टेंस के लिए 8 घंटा 9 7 8 घंटा लगता है, उसके लिए इंसान को इंजन को इतना रेस्ट देना है, 384,000 किलोमीटर जाना है तो रेस्ट देंगे कि नहीं? और उतना इंजन में ईंधन वगैरह भी लगेगा। तो हम लोग ने जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाया, क्या गुरुत्वाकर्षण है ये है, फेंक देते हैं, सोचा गुरुत्वाकर्षण ही खींच लेगा। तो यहाँ से हम लोग फेंक दिए किसको? चंद्रयान को। चंद्रयान को उड़ा दिए, अब चंद्रयान बाहर निकल गया, अब पृथ्वी खींच रही है इधर, आई जा रहा है बाहर, तो ये अब लगा घूमने, घूमते घूमते इसके इंजन में एक थ्रस्टर लगाया गया था जो थोड़ा थोड़ा इसको ढकेल रहा था, अब थ्रस्टर से इसको ढकेलते ढकेलते, अगर थ्रस्टर नहीं रहता तो गोल गोल घूमता, और थ्रस्टर है ना तो जब गोली आता है तन से ठेल देता है, तो रास्ता थोड़ा सा बड़ा हो जाता। ऐसे करते 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 जब दूरी पे हो गया तो बताओ पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अब कमजोर हो जाएगा कि नहीं? जितना डिस्टेंस जाएंगे कमजोर होगा। ऐसे गोलियाते गोलियाते 6 महीना गोली आया, और दूर भेजा और दूर भेजा, दूर भेजते 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 भेजते, कोई भी चीज़ सर्कल पे तो घूमती नहीं, इलेक्ट्रिकल पे घूमती है। और जैसे ज़्यादा दूर गया ना तो चंद्रमा कह दिया हमारे रेंज में आ गया, आओ आ जाओ बाबू आ जाओ। अब ये आज चंद्रयान उतरने वाला है, देखते हैं कितने देर में उतर जाएगा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 लैंडिंग। उतर गया है चंद्रमा, सक्सेसफुल हो गया। मैं भी उतर गया जी, तुम लोग हंस क्यों रहे हो? ऐसे ही होता है, बस थोड़ा सा उसको प्रोफेशनल ढंग से कर दो, एक माइक विक लगा दो कुछ को, ये पूरा टीवी स्क्रीन स्क्रीन, मतलब कंसेप्ट ऐसे ही था मतलब इसको ऐसे। तो इससे क्या सीखे? इससे ये सीखे, जब किसी से दूरियां ज्यादा बढ़ जाएगी तो कोई ना कोई अपने गुरुत्वाकर्षण में ले लेगा। सारा गुरुत्वाकर्षण का नियम है, नहीं समझ आ गया? कई वो टेंशन में हो गया सब और परिक्रमा लगा बाहरी कक्षा में, कोनो खींच ले जाएगा। तुम देख रहे हो यहाँ के बुध और शुक्र के उपग्रह को खींच ले गया, तो ये तो यान है सर, कितना इजी आप उतार दिए इतना भी इजी नहीं था, एक लंबी प्रक्रिया थी, ट्रैकिंग चलती थी कहाँ कितना होगा। और सिग्नल, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना अंतरिक्ष में, रियल टाइम सिग्नल ना आना। रियल टाइम सिग्नल इन द सेंस क्या है कि सपोज आपने आदित्य L1 भेजे हैं, या हमने चंद्रमा पे कोई यान भेजा है, तो सर वहां से प्रकाश को आने में 8 मिनट लगता है, और हमारे यहाँ जो सिग्नल होता है ये भी प्रकाश की गति से जाता है,
तो वो कितने देर में पहुंचेगा? 8 मिनट में। अब सपोज कीजिए कि हम देखें कि जा लड़ने वाला है, उसको कमांड दिए यहां से, रिमोट से कमांड देंगे, दहीने मुड़, 5 डिग्री दहीने मुड़, उस ससुरा 8 मिनट बाद मुड़ेगा। तब तो हो गया, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप ब्रेक मारिए, मार मार, और कहेगा ना 8 मिनट 20 सेकंड बाद तो हमको सूचना ही आएगी यहां पे, तो हो गया कल्याण। तो जितना दूर होता है ना, वहां एक प्रॉब्लम आती है, रियल टाइम डेटा नहीं होता है। रियल टाइम मतलब एट अ टाइम एकदम होना चाहिए यहाँ पे। तो चंद्रमा पर उतना लैग नहीं है, मतलब 1 सेकंड का लैग है, तो 1 सेकंड में तो चलेगा, बट सूर्य पे कितने मिनट का लैग है? 8 मिनट 20 सेकंड। इतना लंबा लैग होने की वजह से थोड़ा डेटा कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आता है, रियल टाइम डेटा नहीं मिल पाता, बड़ा रिस्की चीज होता है। वहां पे किसी को बोलिएगा कि खाना खाए हो, उसको 8 मिनट बाद सुनाई देगा, और जवाब देगा कि अभी नहीं खाए हैं, तो 8 मिनट बाद पहुंचेगा, 16 मिनट तो ही में लग गया, समझ में आ गया, खाने पीने खाए में यहाँ पे।